दोस्तों हर 26 महीने के बाद में मार्स और अर्थ की जो दूरी होती है वो सबसे ज़्यादा क्लोज होती है, करीबन 5,70,00,000 किलोमीटर। ये क्यों क्लोज होती है? क्योंकि पृथ्वी सूरज को करीबन एक साल में ऑर्बिट करती है और मार्स करीबन 1.9 इयर्स के अंदर सूरज को ऑर्बिट कर पाता है, जिससे कि जब भी ये क्लोज आते हैं तो वो हर 26 महीने बाद में आते हैं। जहां पर अगर स्ट्रेट लाइन में अगर जाए कोई भी रॉकेट, हालांकि ऐसे जाता नहीं है कोई भी, तो वो करीबन 41 दिनों में पहुँच सकता है, लेकिन यहाँ पर सूरज को ऑर्बिट करते हुए ही जाएगा जो भी रॉकेट जाएगा मार्स की तरफ, जिसकी वजह से उसको 8 से 9 महीने लग सकते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, किसी भी एस्ट्रोनॉट को कुछ भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं स्पेस के अंदर जिससे दिक्कतें इनको आ सकती है। लेकिन यहाँ पर एड एस्ट्रा रॉकेट कंपनी है जिन्होंने एक न्यूक्लियर रॉकेट तैयार किया है जो कि करीबन 1 महीने के अंदर मार्स तक पहुंचा सकता है, अगर जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो कि 26 महीनों में होता है तब इसको लॉन्च किया जाए, जिसकी स्पीड रहेगी करीबन 2,00,000 किलोमीटर पर आर की। और यहाँ पर ये प्लाज्मा को यूज़ करेंगे, उसको करीबन 2 मिलियन डिग्री की हीट पर लेके जाएंगे, जिससे कि कम फ्यूल के साथ में ये ज़्यादा दूरी तक जा सकते हैं, क्योंकि इतनी दूरी तक जाने के लिए फ्यूल भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा, जिसके लिए यहाँ पर न्यूक्लियर का यूज़ किया जाएगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। हालांकि नासा का मानना है कि वो 2030 तक शायद मार्स को रीच कर सकता है, अपना पहला एस्ट्रोनॉट वहाँ तक भेज सकता है, और इसी के साथ साथ स्पेस एक्स के भी ऐसे ही प्लान है, लेकिन देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा और कब होगा। दोस्तों रेड डेड रिडेम्पशन एक बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव गेम थी प्लेस्टेशन की, रॉकस्टार की, लेकिन उसको पीसी पर पोर्ट कर दिया गया। अब यहीं पर सबसे बड़ी गेम जो कि प्लेस्टेशन की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव गेम है, जिसको गॉड ऑफ वॉर के नाम से हम जानते हैं, वो बहुत ही जल्द पीसी पर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक लीक हुई है एनवीडिया की गेम लिस्ट, जिसके अंदर ये भी एक गेम पाई गई है जो गॉड ऑफ वॉर है, और यहाँ पर तुरंत ही उन्होंने इसको रिमूव कर दिया ताकि वो इसको प्राइवेट रख पाए, सीक्रेट रख पाए, लेकिन एक बार जो चीज़ लीक हो जाती है तो फिर तो हो ही जाती है, और बहुत ही जल्द ये गेम धमाका करने वाली है पीसी के ऊपर। दोस्तों आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होगा, अभी रिसेंटली OnePlus Nord 2 एक्सप्लोड हुआ था, जो कि एक लॉयर ने खरीद रखा था दिल्ली के, और उन्हीं की पैंट के अंदर ये एक्सप्लोड हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने फिर लॉ सूट फाइल कर दिया था OnePlus के ऊपर। और यहाँ पर अब OnePlus ने पलटवार करते हुए लीगल नोटिस भेज दिया इस लॉयर को, ये कहते हुए कि भैया अपना ट्वीट डिलीट करो और हमसे माफी भी मांगो, क्योंकि आपने हमारी कंपनी की रेपुटेशन को बिगाड़ा है, डीफेम किया है अपने इस ट्वीट से, और कई सारी जो वीडियोस भी बनी है उसके ऊपर उन चक्करों में। सो यहां पर क्या ये सही है, मतलब एक बंदे का फोन फट गया उसके बाद में वो क्या ये बात कह भी नहीं सकता, ये तो बड़ी गलत चीज़ हुई। लेकिन खैर यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि ये भी एक लॉयर हैं, तो यहाँ पर मामला बराबरी का चलेगा, क्योंकि इनको भी लॉ के बारे में पता है, कानून के बारे में पता है कि क्या क्या करना चाहिए, और सामने वाली कंपनी तो हायर कर ही लेती है वकील को। दोस्तों स्मार्टफोन्स के मामले में आई थिंक एप्पल और गूगल को हम प्रीमियम ब्रांड मानते हैं, जहाँ पर एप्पल का जो आईफोन सीरीज़ है उसको ले लो और गूगल की पिक्सल सीरीज़ को ले लो। सो यहाँ पर गूगल की पिक्सल 6 प्रो की वीडियो लीक हुई है, जो कि एक आने वाला फ़ोन है इनका, मे भी थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं आने वाले वक्त में, लेकिन वीडियो को देखकर बड़ा ही कमाल का डिज़ाइन लगता है, ग्लॉसी बैक है इसकी, टेंसर चिपसेट इसके अंदर लगाया गया है, और इसी के साथ साथ ये दूसरे चिपसेट्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 के अंदर या फिर सैमसंग एक्सिनोस 2100 के अंदर सिर्फ एक कॉर्टेक्स X1 है, लेकिन इसके अंदर 2 हैं, तो मतलब डबल की पावर है इसके अंदर, और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल चिपसेट के साथ में मार्केट के अंदर आएगा, लेकिन मे बी इंडिया के अंदर आए ना आए, क्योंकि इंडिया को इतना ज़्यादा भाव देता नहीं है पिक्सल सीरीज, मतलब कि बाहर की कंट्रीज़ के अंदर तो पिक्सल लॉन्च हो जाता है, लेकिन इंडिया में हम सब वेट करते रह जाते हैं, जिसके बाद में ऐसा लगने लगता है कि अब तो ये पुराना हो गया। दोस्तों पुराने वक्त में जब भी किसी को इधर उधर घूमने जाना होता था तो अपने हाथ में थैले लटकाकर घूमता था, और इसके बाद में बैग वैग आ गए तो बैग वैग भी लेके जाने लग गए, और उन बैगों में फिर टायर आ गए, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा आसान हो गया उसको खींच के इधर उधर लेके जा सकते हैं। लेकिन आजकल के वक्त में रोबोटिक बैकपैक भी आ चुकी है, जिसका नाम है गीता
मिनी। इसके अंदर मोटर लगी हुई है जिसकी वजह से आपको इसे उठाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद आपका सामान किसी कूली की तरह उठाकर आपके पीछे पीछे चलता रहेगा और ये करीबन 9 किलो तक का सामान उठा सकता है और उसको 33 किलोमीटर दूर तक लेके जा सकता है। मतलब कि इसका यूज आप काफी कर सकते हो बिना चार्ज किए। और इसी के साथ साथ इसकी टॉप स्पीड, अगर आप स्पीड में भी कहीं जा रहे हो, तो 35 किलोमीटर पर आर की है। दोस्तों, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को 2 साल हो चुके हैं और इन्होंने अपनी सेकंड एनिवर्सरी मनाने के लिए ब्लैक ओप्स 4 ब्लैकआउट का मैप भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने ये कमाल किया है कि अपनी गेम का साइज भी इन्होंने 61% तक रिड्यूस कर दिया है। इतनी ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूवमेंट कर दी है, ऑप्टिमाइज कर दी है ये गेम। और विजुअल्स की बात करो तो उसमें बदलाव है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। न्यू वेपन लूटिंग सिस्टम इसके अंदर आ चुका है और इसी के साथ साथ यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी हद तक यहां पर बदला गया है ताकि और भी ज्यादा आसान हो जाए प्लेयर्स के लिए। दोस्तों, हम सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि चाइना ने भी खुद का स्पेस स्टेशन तैयार कर दिया है जहां पर खुद के एस्ट्रोनॉट भी भेज दिए। और यहां पर एलन मस्क का मानना यह है कि यूएस को भी चाइना के साथ में कोलैबोरेट करना चाहिए इन स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर। और इसी के साथ साथ एलन मस्क ने अपना आखिरी घर भी बेच दिया है करीबन 87 मिलियन US डॉलर का। और हमने ये भी सुना है कि ये फैक्ट्री वगैरह के अंदर भी सो जाते हैं, कहीं भी रेंट पर ले लेते हैं, कहीं भी लोट लगा लेते हैं। तो मतलब अब देखो अब कैसे रहते हैं, मतलब कुछ पता नहीं, बंदा बड़ा अजीब तो गरीब है थोड़ा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है।